गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं तने की बाह्य आकार की का भाग नंबर सेकेंड। ये टॉपिक क्लास इलेवेंथ के सब्जेक्ट जीव विज्ञान से संबंधित है। आज का टॉपिक जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 से संबंधित है, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों की आकार की। इस लेसन के अंतर्गत अभी तक हम मूल की संरचना अर्थात इसकी बाह्य आकार की और कार्य पढ़ चुके हैं। तने की बाह्य आकार की के भाग नंबर 1 में हमने तने की संरचना, गुण और एक रूपांतरण के बारे में डिस्कस किया था। प्रिय विद्यार्थियों, जिस रूपांतरण के बारे में हमने डिस्कस किया था उसमें कंद, परकंद, घनकंद और शल्क कंद के बारे में पढ़ा था। ये रूपांतरण मुख्य रूप से तने के भाग में खाद्य पदार्थ के संग्रहण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो जो रूपांतरण पड़ा था वो किस रूप में था? खाद्य पदार्थ के संग्रहण के आधार पर। चूंकि ये सभी पादपीय भाग जमीन के अंदर निर्मित होते हैं, इसलिए हम इन्हें भूमिगत तने के नाम से जानते हैं। सामान्यतः तना परोतंत्र का भाग होता है जो जमीन से ऊपर अथवा वायवीय होता है। तो हमने इन चार टॉपिक्स को पढ़ाया हुआ है भूमिगत तने के अंतर्गत। आज हम वायवीय और अर्धवायवीय तने के रूपांतरण देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक तने की बाह्य आकारिकी का भाग नंबर सेकंड। सबसे पहला जो रूपांतरण देखने जा रहे हैं वो है वायवीय रूपांतरण, एरियल पार्ट होता है। तना जो कि जमीन के अंदर है, भू सतह से नीचे की ओर ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, वो कहलाता है भूमिगत। तने का जो भाग भूमि से ऊपर की ओर ग्रोथ करता है वो कहलाता है वायवीय। और कुछ भाग ऐसा होता है जो जमीन की ऊपरी सतह पर लेटा हुआ होता है, भू क्षितिज दिशा में वृद्धि करता है, तो हम ऐसे तने को नाम देते हैं अर्धवायवीय तना। तो जो रूपांतरण पढ़ रहे हैं वो पहले कौन सा पढ़े? भूमिगत तने के अंतर्गत। आज जो पहला भाग है वो कौन सा? वायवीय, जो ऊपरी भाग की ओर है, वायवीय क्षेत्र में वायु के अंतर्गत होता है, जो हम स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तना है, उस तने के कुछ विशेष रूपांतरण देखेंगे। हालांकि भूमिगत तने के रूपांतरण थे वो खाद्य पदार्थ के संग्रहण के आधार पर। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पादप भाग में यदि खाद्य पदार्थ का संग्रहण होता है तो मूल रूप से वो संग्रहण के पश्चात नियमित संरचनाएँ पादप के जनन में भाग लेती है, जनन के लिए प्रयुक्त होती है, लेकिन मानव इसको खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करता है। लेकिन वायवीय तने के जो रूपांतरण है वो उस पादप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उसको सारा प्रदान करने के लिए रूपांतरित होते हैं। तो इसमें विकसित होने वाली संरचना उसके कार्य के प्रारूप से, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से और सहारा प्रदान करने की दृष्टि से संपन्न होती है। तो इस प्रकार के वायवीय तने में जो रूपांतरण है वो किसके लिए आ रहा है? वो आ रहा है सुरक्षा के लिए, नंबर एक। दूसरा, सहारा प्रदान करने के लिए, प्रदान करने हेतु रूपांतरण तने में देखने को मिलते हैं। इसमें से सबसे पहला ए भाग है, होता क्या है इसमें? ये तना है, हमें ये ज्ञात है कि तने के अंदर पर्व और पर्व संध्या पाई जाती है। जो मध्य का भाग है वो क्या कहलाता है? पर्व। जहाँ पर्व आपस में जुड़ती है वो संरचना कहलाती है पर्व संधि। क्या बता सकते हो कि तने के किस भाग से पर्णकलिकाएँ, पुष्पकलिकाएँ या शाखाएँ विकसित होती है?
तो वो कौन से भाग से विकसित होती हैं? डेफिनेटली वो पर्व संधि से विकसित होती है। अब इस प्रकार के स्तंभ में क्या होगा कि इस पर्व संधि से विकसित होने वाली एक कलिका है, एक स्प्रिंग नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आपने मटर में देखी होगी, सेम के पौधे में देखी होगी, कुकुरबिटेसी के किसी भी प्लांट को ले लो, आप बेल को ले लो, उस बेल में स्प्रिंग नुमा संरचना विकसित होती है। तो ये स्प्रिंग नुमा संरचना क्या कहलाती है? परतान कहलाती है। परतान क्या करता है? किसी भी ठोस सतह से उसके चारों लिपट जाती है, लिपटने के बाद स्थिर हो जाती है। तो स्थिर होने से क्या हुआ? इस तने को सहारा मिला। स्तंभ से विकसित होने वाले इन परतान को क्या नाम देते हैं? स्तंभीय परतान कहते हैं। क्या कार्य करेंगे? सहारा प्रदान करने का कार्य करता है, जिसके कारण पादप भाग या तना प्रकाश की ओर ग्रोथ कर सके। किसमें पाया जाता है? अंगूर के अंदर इस प्रकार की संरचना देखने को मिल सकती है। सेकंड नंबर जिसको नाम देते हैं स्तंभ सूल। सूल का मतलब कंटिका है, कांटे विकसित होते हैं। कई प्रकार के कांटे पादपों में देखने को मिलते हैं हमें। जैसे कि आपने अवलोकन किया होगा कि बेर के पादप में निकलने वाले कांटे अलग प्रकार के होते हैं, खेजड़ी में होने वाले अलग, बबूल में विकसित होने वाले कांटे अलग होते हैं, कोई वाइट कलर के होते, लंबे होते हैं, हुक के समान होते हैं, तीखे होते हैं, छोटे होते हैं। नागफणी के कांटे होते हैं, वो बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं। और जैसे ही ये सूल में संरचना किसी प्राणी के शरीर से स्पर्श करती है तो उसकी त्वचा को भेद कर अंदर तक पहुँचती है, फलस्वरूप उस जीव को, उस प्राणी को कष्ट होता है, दर्द होना प्रारंभ होता है, जिसके कारण वो प्राणी उस पादप की तरफ नहीं जाते हैं। तो पादप के ऊपर लगने वाले ये शूल संरचना या कांटे क्या किया? उस पादप को सुरक्षा प्रदान करने को कार्य किया। जब भी हम पैदल चलते हैं जहाँ पर कांटे आते हैं तो हम उस कांटों से दूर होने की कोशिश करते हैं, दूर से जाते हैं। गाड़ी लेके जा रहे हैं तो हम कांटों के ऊपर से नहीं लेके जाते क्योंकि टायर पंचर हो जाता है। तो जब हम उसकी तरफ जा ही नहीं रहा है, प्राणी उसकी तरफ जा ही नहीं रहा है, तो उससे उस पादप को क्या हो रही है? सुरक्षा हो रही है। तो पादपों में कांटों का नियमित होना किसके लिए? सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है। तो ये स्तंभ से निकलने वाले शूल पर्ण से भी निकलेंगे या अन्य संरचना के रूपांतरित होने से भी शूल का निर्माण होगा, लेकिन नींबू में और बोगनवेलिया में। बोगनवेलिया कौन सा प्लांट? जिसको हम घर के दरवाजे पर लगाते हैं, बहुत सारे पुष्प आते हैं, बैंगनी कलर के आते हैं, श्वेत भी आते हैं, आजकल बहुत सारी वैरायटीज आ जाती है उसकी। तो वो उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए जिसमें पर्ण से भी ज़्यादा पुष्प आते हैं, उस पादप को बोगनविलियम नाम कहते हैं। तो बोगनविलियम में या नींबू में पाई जाने वाली इन कांटेनुमा संरचना को क्या कहेंगे? शूल कहते हैं। क्या नाम देंगे उसको? स्तंभ शूल। तो ये तने का रूपांतर किसमें हुआ? स्तंभ शूल में हुआ। और मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है? पादप भाग को सुरक्षा प्रदान करने। नंबर थर्ड, पर्णाभ स्तंभ कहलाता है। क्या कहलाएगा? पर्णाभ स्तंभ। होगा क्या? स्तंभ होगा, लेकिन किसमें रूपांतरित हो जाता है? वो पर्ण के समान। पर्ण क्या कार्य करती है? पर्ण में या पर्ण की कोशिका में क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, और वही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पादप अपने खाद्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करता है। तो अर्थात इस प्रकार के स्तंभ में क्या हो रहा है? स्तंभ पर्ण के समान परिवर्तित हो जाता है, कार्य करना प्रारंभ हो जाता है। हालांकि हम स्तंभ में प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल लें तो केर का ले सकते हैं। केर में पत्तियां नहीं पाई जाती, पर्ण नहीं पाई जाती, तो उसके स्थान पर स्तंभ हालांकि प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर रहा है, लेकिन हम उसको पर्णाभ स्तंभ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उस स्तंभ की संरचना पर्ण के समान नहीं होती। पर्ण का मतलब एक चपटा भाग जो मांसल हो जाता है, चपटा हो जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटकों का निर्माण होता है, क्लोरोप्लास्ट विकसित हो जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? नागफणी में पाया जाता है। नागफणी में पाया जाने वाला तना
छोटे छोटे पर्व में पहले विकसित था, मान लेते इस प्रकार की संरचना ये थी, लेकिन ये रूपांतरित हो गया सप्ती संरचना में। तो इस प्रकार की संरचना में परिवर्तित हो जाता है। जो एक छोटा खंड है वो पर्व को निरूपित करता है, ये पर्व संधि को निरूपित करता है। पूरी संरचना कैसे होगी? मार्शल संरचना होगी। इसके ऊपर जितनी भी पत्तियां पाई जाती थी वो रूपांतरित होकर के कांटों में निर्मित हो जाती है। इस प्रकार की संरचना में परिवर्तित हो गई। हम ऐसे तने को पर्णव तना कहते हैं। क्या कार्य करेगा? कांटे इस पादप को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगी और इसमें विकसित मियोफिल के समान कोशिका है फोटोसिंथेसिस का कार्य करेगी, क्लोरोप्लास्ट विकसित हो जाता है। तो याद रखना कि नागफणी के अंतर्गत पाया जाने वाला तना है वो कौन सा कहलाएगा? पर्णव स्तंभ कहलाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी मांसलोद्भिद पौधों में पर्णव स्तंभ पाया जाए, डंडाथोर में नहीं होता है। नेक्स्ट, पर्णव स्तंभ के समान पर्णव पर्व, पर्व पर्ण के समान कार्य करता है। किस संरचना में परिवर्तित होगा? मांसल सप्ती संरचना में परिवर्तित होगा, लेकिन होगा कौन? पर्व होगा। अर्थात ऐसे पौधे जिनका तना केवल एक पर्व युक्त हो और वो पर्व रूपांतरित होकर के चपटी संरचना में परिवर्तित हो जाती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं विकसित हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है, हम उसको नाम देंगे पर्णव पर्व। आराम से लिख सकते हैं, एकल पर्व युक्त तना पर्ण में परिवर्तित हो जाता है, पर्णील संरचना में परिवर्तित हो जाता है, नाम कहलाएगा पर्णव पर्व। किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल स्पष्ट है, सतावर के अंतर्गत पाए जाने वाले पर्व को पर्णव पर्व कहते हैं, नागफणी में पर्णव स्तंभ कहलाता है। तो वायवीय तने जिसमें सुरक्षा के लिए, स्वांगीकरण क्रियाओं के लिए सहारा प्रदान करने के लिए संरचना विकसित होती है, उसके आधार पर इन तने को हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? चार भागों में, स्तंभीय प्रतान, स्तंभशूल, पर्णव स्तंभ और पर्णव पर्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ऐसे तने जो न तो भूमिगत हैं और न ही वायवीय, अर्थात ये क्षितिज अवस्था में वृद्धि करते हैं, क्षितिज अवस्था में क्या करेंगे? ये ग्रोथ करते हैं, पड़े रहते हैं, जमीन के ऊपर लेटे रहते हैं। ऐसे तने सामान्य तौर पर दुर्बल तने होते हैं। जब हम तने का स्वरूप पढ़ते हैं तो दो प्रकार के तने हमें देखने को मिलते हैं, एक तो होता है ऊर्ध्व या काष्ठीय और एक होता है दुर्बल। दुर्बल तने वो होते हैं जो जमीन के ऊपर लेटे रहते हैं या किसी सहारे की सहायता से लिपटे हुए आगे वृद्धि करते हैं, और काष्ठीय तने या ऊर्ध्व तने वो होते हैं जो मुख्य तने के रूप में होते हैं, शाखाओं के रूप में होते हैं, मोटे होते हैं, जो सभी शाखाओं को पर्ण को धारण करने में सक्षम होते हैं और ऊर्ध्व अवस्था में खड़े रहते हैं। इसमें पहला रूपांतरण देखिए, ऊपरी भूस्तरीय कहलाता है, एग्जाम्पल दूब का है। इसमें क्या होगा? तना क्षितिज अवस्था में लेटा हुआ है, इसकी जितनी भी पर्व संधियाँ हैं उस पर्व संधियों से अपिस्तानिक मूल निकलती है और वो मूल जमीन के अंदर धस जाती है, पादप भाग को सहारा प्रदान करने का और जल अवशोषण का कार्य करती है। अब मान लेते हैं मैं यदि इस दूब को यहाँ से काट दूँ तो ये भी एक अलग पादप के रूप में काम आएगा, ये भी एक अलग पादप के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हो जाता है। तो क्षितिज अवस्था में लेटे हुए पादप भाग या तने से, तने के पर्व संधियों से या प्रत्येक पर्व संधि से अपिस्तानिक जड़ें निकल जाती है और धीरे धीरे वो क्षितिज दिशा में वृद्धि करता हुआ जाता है। तो ऐसे तनों को नाम देते हैं हम ऊपरी भूस्तरीय। किस में पाया जाता है? धूप में पाया जाता है और मार्सीलिया होता है धूप, जो कि हम गार्डन में लगाते हैं। देखा होगा आपने ये धूप धीरे धीरे फैलती जाती है, हम कहीं से भी एक तने के अग्रभाग को उठाते हैं हम पता ही लगेगा कि इसका मुख्य तना कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अपिस्तानिक जड़ें निकल चुकी होती है। इसके अलावा मार्सीलिया में भी इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है, नाम क्या है? मार्सीलिया। कहाँ पढ़ा हमने इससे पहले? इस मार्सीलिया नामक प्लांट का जिक्र हुआ था जब हमने टेरिडोफाइट्स पढ़े थे।
टेरिडो भैंस का आवास पड़ा था, और आवास में हमने ये देखा था कि मुख्य रूप से नम स्थलीय अवस्था में पाया जाता है, आवास में पाया जाता है। लेकिन एजोला और मार्सेलिया ऐसे प्लांट है जो जल में पाए जाते हैं, तो जलीय टेरिडो भैंस के रूप में इसका एग्जाम्पल लिया था। ऊपरी भूस्तरीय के बाद में भूस्तरीय सामान्यतः इस प्रकार के पौधे जमीन के ऊपर लेटे हुए ही रहते हैं और उसी अवस्था में लगातार वो वृद्धि करते रहते हैं। एग्जाम्पल कौन सा इसका? अरबी का है। तीसरा जो भाग आता है वो अंतर्भूस्तरीय, तना वायवीय होगा, क्षैतिज दिशा में अर्धवायवीय होगा, वो कुछ देर या कुछ दूरी तक ग्रोथ करता है, उसके बाद में जमीन के अंदर परिवेशित हो जाता है, फिर इसका अग्रभाग भाग होता है बाहर निकल करके वायवीय प्रोह का निर्माण करता है। पहले जमीन के अंतर्गत घुस करके फिर ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद में फिर इसका प्रोह तंत्र बाहर निकल जाता है। जबकि भूस्तरीय में क्या होगा, ऊपरी भाग पर ग्रोथ करने के बाद जमीन के अंदर घुसेगा और जमीन के अंदर घुसने के बाद में फिर बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद में फिर वायवीय पोरों का निर्माण करेगा। तो दोनों संरचना एक समान दिखाई दे रही है, जैसे इसका एग्जाम्पल पुदीना है, इसका अरबी है, तो दोनों एक जैसा ही है। लेकिन अंतर क्या है, भूस्तरीय में प्रारंभ में तना भू सतह के समांतर वायवीय अवस्था में वृद्धि कर जमीन के अंदर घुसेगा फिर बाहर क्यों निकलेगा, लेकिन अंतर्भूस्तरीय में पहले तना जमीन के अंदर जाएगा, उसके बाद जमीन में ही कुछ देर तक ग्रोथ करेगा, फिर इसका अग्रभाग बाहर निकल करके वायवीय पोरों का निर्माण करेगा। तो हम इस संरचना को नाम देते हैं अंतर्भूस्तरीय। इसका एग्जाम्पल कौन सा? पुदीना, और भूस्तरीय का अरबी। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। भूस्तरीय पहले ऊपरी सतह पर ग्रोथ करेगा, फिर जमीन में घुस करके इसका शीर्ष भाग बाहर निकलेगा, प्रोतंत्र का निर्माण करेगा। जो भाग जमीन के अंदर दबा हुआ उस सतह से अपिस्तानिक जड़ें निकलेगी, इसके बाद में पादप भाग से पृथक हो जाता है। अंतर्भूस्तरीय में पहले तने का शीर्ष भाग जमीन में प्रवेश करके जमीन के अंदर ही ग्रोथ करता, फिर कुछ दूरी पर जाने के बाद में बाहर निकलता है। अगेन भूमिगत सतह से यहाँ से भी जड़ें निकल जाती है। जड़ निकलने के बाद भले हम उसको इसके मूल पादप भाग से पृथक कर दें तो ये स्वतंत्र पादप के रूप में ग्रोथ करता है। एग्जाम्पल कौन सा है? पुदीना। जैसे पुदीना लगा हुआ है, इसकी एक शाखाओं को जमीन में दबा दें तो इस दबे हुए क्षेत्र से कुछ समय के बाद में अपिस्तानिक जड़ निकलना विकसित हो जाती है या जड़ निकलना प्रारंभ हो जाती है। तो इसी गुण के कारण ही हम पुदीना में कायिक प्रोपागेशन पाई कायिक प्रजनन की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। जैसे दाब लगाने की विधि होती है वो इसी प्रकार की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है भूस्तरीका। भूस्तरीका मूल रूप से भूस्तरीय के समान है, लेकिन सामान्यतः जलीय पादपों में होने वाले भूस्तरीय या उत्पन्न होने वाले भूस्तरीय तने को हम भूस्तरीका कहते हैं। किसमें होंगे ये? जलीय पादपों में। जैसे जलकुंभी का एग्जाम्पल है, जलकुंभी में एक पर्वत से बहुत सारी पर्ण निकल जाएगी, पुष्प निकल जाएगी, फिर इस पर्वत से एक शाखा विकसित होगी। कैसे विकसित होगी? वायवीय। उसकी पर्वत संधि से फिर बहुत सारे पुष्प और शाखा विकसित होना प्रारंभ हो जाती है, जो कि लगभग सभी दिशाओं में समांतर रूप से फैलता रहता है। जरूरी नहीं है कि केवल एक दिशा से ही निकले, दूसरी दिशा से भी, इस मान लेते स्तंभ से इस शाखा इस तरफ से भी शाखा विकसित होती है, दूसरी तरफ से भी होती है, सभी तरफ से इस पर्व संधि चारों ओर से शाखा विकसित हो जाती है और फिर धीरे धीरे ग्रोथ कर जाता है। इस ग्रोथ के कारण ही कुछ समय के बाद में पूरी जलाशय सतह पर जलकुंभी का एक जाल सा फैल जाता है। इस प्रकार से अर्धवायवीय तने के रूपांतरण देखें तो ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तरीय, अंतर्भूस्तरीय और भूस्तरीय का। ध्यान देने वाली बात क्या है कि खाद्य संग्रहण के आधार पर भूमिगत तने का रूपांतरण होता है वो भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। वायवीय तंत्र का रूपांतरण होता है वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए। अर्धवायवीय रूपांतरण होते हैं वो मूल रूप से पादप भाग को
प्रजनन में सहायता प्रदान करने के लिए परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट, रूपांतरण के बाद में हम देखते हैं तने के कार्य। तना क्या कार्य करता है? तो नंबर फर्स्ट, जड़ के द्वारा अवशोषित जल को पादप के शीर्ष भागों तक पहुंचाना और पर्ण के द्वारा नियमित खाद्य पदार्थ को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये मूल रूप से क्या कार्य करता है? सहवन या जड़ द्वारा अवशोषित जल को पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचाना। नंबर दो, तने पर पत्तियां होती है, शाखाएं होती है, पुष्प होते हैं, तो क्या लिखेंगे? पर्ण, शाखा व पुष्प धारण करना। तीसरा कार्य क्या हो सकता है? हमने रूपांतरण देखे, तो रूपांतरण में ऐसे खाद्य पदार्थ के रूपांतरण के आधार पर अर्थात भोज्य पदार्थ के रूप में, हम आलू को खाते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं, प्याज को खा रहे हैं खाद्य पदार्थ के रूप में खा रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से कितने कार्य हो गए? तीन प्रकार के कार्य हो गए। अब रही बात इस तने के टॉपिक के समाप्त होने की स्टेज पर, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होता है, हम केले का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। जब ये पादपों में तना पाया जाता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन केले के अंदर जिस भाग को आप तने के रूप में परिभाषित कर रहे हो वो तना नहीं है। क्या नहीं है? तना नहीं है। किसमें? केले में। तो वो क्या है? वो जो पर्ण निकली हुई होती है, पर्ण का आधारीय भाग, बहुत सारे पर्ण का आधारीय भाग मिलकर के एक मोटी मांसल संरचना का निर्माण करते हैं। इस संरचना को हम तने के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। तो ये परागकोष से तो विकसित नहीं हुआ, बल्कि पर्ण के आधारीय भाग से निर्मित हुआ है। इसीलिए केले के इस तने को हम लोग आभासी तने के रूप में जानते हैं। कहीं से भी प्रश्न आ जाए कि निम्न में से वास्तविक तना नहीं है और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता केला, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? केला हो जाएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट था या नहीं था? इसी के साथ हम तने की बाह्य आकार की से संबंधित ये टॉपिक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे मूल और तने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू। नमस्कार।